झारखंड अब ऐसा राज्य बन गया है जहां के 6 आईएएस अधिकारी से ईडी ने पूछताछ कर चुकी है। इनसे आईएएस में से 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है। ईडी ने अभी तक पूजा सिंघल, रामनिवास यादव, राजीव अरुण का, छवि रंजन विनय चौबे, कर्ण सत्यार्थी से पूछताछ की है, जिसमें मनरेगा घोटाला मामले में पूजा सिंघल और छवि रंजन को जमीन संबंधित घोटाले में गिरफ्तार किया गया है। अब आगे क्या होगा यह देखने वाली बात होगी। ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी और गिरफ्तारी का असर पूरे झारखंड में देखने को मिल रहा है। जिला कार्यालय से लेकर सचिवालय तक में ऐसा सन्नाटा पसरा है जैसे हर अधिकारी को अपनी बारी का इंतजार हो। ब्यूरोक्रेट लॉबिंग में एक चर्चा जोरों पर है कि छवि रंजन रांची डीसी की कुर्सी जाने के बाद सत्ता के गलियारों में पूरी कोशिश कर रहे थे कि उन्हें जमशेदपुर बतौर डीसी बनाकर भेज दिया जाए। इसके लिए सत्ता के शीर्ष के कुछ लोगों के साथ लॉबिंग कर रहे थे, लेकिन आए दिन मीडिया में उनके बारे में छपने के बाद ऐसा नहीं किया जा पा रहा था, लेकिन छवि रंजन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे। बताया जा रहा है कि अगर और कुछ दिनों तक उन पर ईडी की गिरफ्तारी की गाज नहीं गिरती तो अपने मंसूबे में कामयाब भी हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। रांची डीसी से उनका तबादला समाज कल्याण विभाग में कर दिया गया। बताया जाता है कि उनका मन वहां नहीं लग रहा था। इधर ईडी ने भी कार्यवाही करना शुरू कर दिया था। अपने आप को पूरे मामले में फंसता देख आईएएस छवि रंजन प्राइवेट सेक्टर की ओर जाने की तैयारी कर रहे थे। कुछ लोगों का कहना है कि डीसी रहते छवि रंजन जो पैसा अवैध जमीन घोटाले से कमाया था उसे कहीं इन्वेस्ट कर खुद प्राइवेट सेक्टर का रूप करने की तैयारी में थे। इसके लिए वह अपने करीबियों से बार बार डिस्कस कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।